हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुन के आप दंग रह जाएंगे। तो ये कहानी एक गुब्बारे वाले की, तो आप इस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और डिस्क्रिप्शन को एक बार विजिट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में एक गुब्बारा वाला रहता था। वो अपना गुजारा गुब्बारे बेच के करता था। उसके पास हर रंग के कई प्रकार के रंग के गुब्बारे थे, लाल, पीले, हरे, नीले, और उसे वो बेच के अपना गुजारा करता था। तो जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वो अपने गुब्बारे को हीलियम गैस में भरकर हवा में छोड़ देता। जब वो हवा में छोड़ता तो उसे देख के छोटे छोटे बच्चे उत्सुक हो जाते और उसे खरीदने के लिए उसके दुकान पर आने लगते और फिर से उसकी बिक्री बढ़ जाती। जब भी कभी उसकी बिक्री घटने लगती तब यही तरीका लगा के अपने बिक्री को फिर से बढ़ा लेता था। इसी तरह वो करता था अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए। तो एक दिन उससे एक बच्चे ने पूछा कि अगर आप काले गुब्बारे को हवा में छोड़ें तो क्या वो भी बिक्री होगा और वो भी उसी तरह उड़ेगा। बच्चे की इस सवाल सुनकर वह दंग रह गया। उसके बाद उसने थोड़ा देर सोचने के बाद यह जवाब दिया कि गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अपना नजरिया बदल के इस दुनिया को बदल सकता। जो आदमी खुद का नजरिया नहीं बदल सकता वो दुनिया को कभी बदल नहीं सकता और वो खुद को भी कभी बदल नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।